उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सैयद इरफात हैदर आप लोगों को स्पायर कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर नंबर 5 था जिसका टाइटल था सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में अभी तक जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें से सबसे पहले हमने सर्कुलर मोशन को देखा था, देन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स में से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हमें लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हम लीनियर एक्सेलरेशन को ये कहते थे कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में तब्दीली की जो शरह होती है या वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली की शरह वो एक्सेलरेशन होती है। अब यहाँ पे आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद टाइम उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। हम कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर हम बात करें इसके फार्मूला की तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? अब एक्सेलरेशन का जो सिंपली फार्मूला होता तो वही होता था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टाइम, सेम यहाँ पे भी वही है। लेकिन यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं जो एवरेज आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन होता है वो होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। अब यहाँ पे देखें ओमेगा एफ आपके पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास आएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और टी एफ माइनस टी आई तो ये टोटल टाइम आ जाएगा जो टोटल चेंज इन टाइम। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम पे डिवाइड करने से आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए इस एवरेज वैल्यू के ऊपर हमने क्योंकि लिमिट लगा दी, वो लिमिट क्या है? डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। हम ये कहते हैं कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी या डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी such that the following time interval delta t approaches to zero is called instantaneous angular acceleration। instantaneous का मतलब होता है किसी खास moment के ऊपर, किसी खास लम्हे के ऊपर किसी body का क्या acceleration था, तो किसी खास लम्हे के ऊपर जो body का acceleration होता है उसको हम बोलते हैं instantaneous angular acceleration। और इसका formula होता है limit delta t approaches to zero delta omega by delta यूनिट्स की बात करें इसके यूनिट्स क्या होते हैं। अब हम एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स पढ़ चुके थे, उसके यूनिट्स होते थे रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर मिनट भी हम कहते थे या डिग्री पर सेकंड। ये तीन यूनिट्स हमने पढ़े थे, रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर मिनट। अब ये फर्दर टाइम पर डिवाइड हो रही है ये वैल्यू, इस चीज़ का मतलब एक सेकंड का इजाफा हो जाएगा तो ऊपर जाके ये माइनस टू हो जाएगा, तो इसका एक यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और ये इसका एसआई यूनिट है। इसके अलावा जो इसका यूनिट बन सकता है वो डिग्री पर सेकंड स्केयर, और अगर हम रेवोल्यूशन वाले की बात करेंगे तो हम कहेंगे रेवोल्यूशन पर मिनट स्केयर। अब डायमेंशन लिखना चाहते हैं तीनों में से किसी को भी यूज़ करें यूनिट को डायमेंशन के लिए, तो रेडियन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, और पर सेकंड स्केयर एस माइनस टू सेकेंड टाइम का यूनिट है, इसकी डायमेंशन टी माइनस टू। और डायमेंशन का मतलब होता है क्या था कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज में लिखें, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है टी। मैंने याद रखना है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इस ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्केलर है या वेक्टर, तो आपने याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी। नंबर वन, हम सबसे पहले जो चीज़ पढ़ के आ चुके हैं हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालना सीखी थी, उसमें हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया था और हमने ये कहा था कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में इस तरह ग्रैस्प करना पकड़ना है कि आपकी फिंगर्स मोशन की डायरेक्शन में, तो इरेक्टेड थंब आपको बताते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो आप लोगों ने याद रखना है जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होती है, और सेम उसी डायरेक्शन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, मतलब ये तीनों के तीनों अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी है, हमने ये कहा है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। फिर इस ओमेगा इंक्रीजेज, मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज, देन एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब है इनमें एंगल जीरो का,
और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करती है, एंगुलर वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है, तो फिर इस चीज़ का मतलब उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इस चीज़ का मतलब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। यहाँ पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, इस चीज़ का मतलब वो सेम डायरेक्शन में जाए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, अब सिर्फ इसको आपने ये नहीं समझना कि ये उसे ऊपर एक्सेस ऑफ रोटेशन होते हैं, वो से बिलो भी एक्सेस ऑफ रोटेशन है। पहली लाइन का मतलब ये है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो मैं सपोज करता हूँ अगर एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो मैं सपोज करता हूँ अगर एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन होगा हमेशा लॉन्ग एक्सेस ऑफ रोटेशन ही, ये बात याद रखनी। इसका ये मतलब नहीं समझना कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वो एक्सेस ऑफ रोटेशन से हट जाएगा, ऐसा नहीं। वो एक्सेस ऑफ रोटेशन तो ये स्ट्रेट लाइन है, वो से ऊपर कहीं तक और उसे ऊपर भी नीचे भी, नीचे भी ये लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है, तो वो स्ट्रेट लाइन एक्सेस ऑफ रोटेशन है। वो होंगे हमेशा ये दोनों एक्सेस ऑफ रोटेशन के ऊपर, लेकिन जस्ट उसी एक्सेस के ऊपर रहते हुए इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने अब डिस्कस कर दी है, अभी तक हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे थे, हमने सारी डिस्कशन की थी, हम इस कंप्लीट रिजिड बॉडी को देख रहे थे कि ये रिजिड बॉडी ओवरऑल रोटेट कर रही है एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, और ये पॉइंट सर्कुलर मोशन में था और होल बॉडी रोटेशनल मोशन में थी, तो ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। अब बजाय इसके कि मैं इस होल रिजिड बॉडी को कंसिडर करूँ, मेरे लिए मसला है, मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक रेफरेंस लाइन कंसिडर कर रहा हूँ। ये रेफरेंस लाइन कैसे बनती है, मैंने कहा था ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्या था, पी था, और ये पॉइंट पी सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हैं, और ये मेरे पास लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइन स्ट्रेट जो मुझे ये नज़र आ रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन के, मतलब इस पॉइंट पी से जब एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, उसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ 90 का एंगल बनता है। एक मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मुझे एक लाइन मिल गई ओ पी, जिसकी लेंथ आर की इक्वल है, इस लाइन को मैं बोलता हूँ रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन ओपी क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पी ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस लाइन ने रोटेट करना है इस ट्रैक को, जब ये लाइन रोटेट करती है अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस लाइन की जो एंगुलर वेलोसिटी है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बिल्कुल वही है जो कि इस रिजिड बॉडी का है। इसको आसान वे में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आपको बाहर से एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं, गाड़ी जा रही है 100 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी के साथ, उस गाड़ी में आप भी बैठे हैं, एक टिश्यू बॉक्स भी पड़ा, तो बाहर से जो देखने वाला ऑब्जर्वर है उसको ये फील होगा, चूँकि गाड़ी 100 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से जा रही है, तो उसमें आपकी जो स्पीड उसको फील होगी वो भी 100 किलोमीटर पर आर होगी, इवन उस टिश्यू के डब्बे की स्पीड भी उसको वही फील होगी। मतलब उस गाड़ी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होना हो वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा जिससे गाड़ी मूव कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ चूँकि ये ओवरऑल रिजिड बॉडी, तो इस रिजिड बॉडी का मैं कोई भी पार्टिकल, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर, उस पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा जो कि ओवरऑल पूरी बॉडी। तो इस वजह से इस लाइन के बारे में तो मैं कह सकता हूँ जो रेफरेंस लाइन ओपी है, ये रोटेट करती है सेम उसी एंगुलर वेलोसिटी और उसी एंगुलर एक्सेलरेशन से जिससे कि रिजिड बॉडी मूव कर रही है। तो हम क्या कहते हैं, ओपी रोटेट्स विद सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एज रिजिड बॉडी की, जिस एंगुलर वेलोसिटी से रिज और एक्सेलरेशन से रिजिड बॉडी मूव कर रही है, इस रेफरेंस लाइन में भी उसी से ही मूव कर रहे हैं। इस चीज़ का मतलब हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई है, हम बजाय इसके कि हर बार जो मोशन को डिस्क्राइब करें एक रिजिड बॉडी कंसीडर करें, रिजिड बॉडी को कंसीडर करने के बजाय अब से ऑनवर्ड हम क्या करेंगे, हम रिजिड बॉडी की रोटेशन को डिस्क्राइब करेंगे बाय रेफरेंस लाइन ओ पी। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि एक छोटा सा आर्टिकल और इसमें मैक्सिमम हद तक मैंने कोशिश की है कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो दूर की जा सके। तो आप लोगों ने इस आर्टिकल को अच्छी तरह देख लेना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि आगे फर्दर इससे ऑनवर्ड जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें हमारे काम होंगे। आप लोगों को जो एक इंस्ट्रक्शन दी थी वो ये थी कि आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने जो असाइनमेंट्स हैं या ये नोट्स हैं आपके लेक्चर नोट्स हैं लाजमी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपसे ये बाकायदा तौर पर चेक किए जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम लर्निंग करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो अपने LMS के थ्रू आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।